नमस्कार, मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। सज्जन सिंह वर्मा का बयान, आज पर्यवेक्षक हमने बनाए हैं। नगर पालिका में एक पुरुष और एक महिला सीनियर लीडर पालिका में रहेंगे। बैठक में इन सभी को निर्देश दिए गए कि किस तरीके से सही काम हो, ढंग से काम हो। कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई मित्रता नहीं चलेगी, कोई पूर्वाग्रह नहीं चलेगा। जो भी टिकट नगर निगम चुनाव में दिए जाएंगे वह उसी नगर पालिका में बांटे जाएंगे। दिल्ली में और भोपाल में कोई भी नगर पालिका का टिकट नहीं बटेगा। प्रभु राम चौधरी की पत्नी को संयुक्त संचालक स्वास्थ्य नियुक्त करने पर कहा कि भाजपा में स्वास्थ्य विभाग के निर्णय प्रभु राम चौधरी की जगह प्रभु नरोत्तम मिश्रा लेते हैं। वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोलार डैम के पास डेस्टिनेशन बैठक पर बोले सज्जन वर्मा, सीएम शिवराज की 10 महीने की सरकार में 12 बार वित्त विभाग में कर्ज ले लिया है। वहीं रेत माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान झूठी घोषणाएं करते हैं, चुटकुले वाली सरकार है। भोपाल से संवाददाता मुकेश सर्वे की रिपोर्ट। लोगों को बनाया गया जो विधानसभा उपचुनाव करवा के आए हैं सारे की सारे। नहीं तो पूरी नो वही है सर। नहीं नहीं, नगर पालिका प्रभारी, नगर पालिका प्रभारी जो बने हैं नगर निगम के, नगर निगम नहीं, नगर पालिका की थी आज बैठक। तो आज नगर पालिका में तो सब बड़े समझदार लोग बैठाए हैं। अब देखिए, नगर निगम में तो सीनियर लोगों को बैठाना पड़ता है जो अनुभवी हों। हार और जीत से यदि आकलन करेंगे तो फिर तो ना बीजेपी में नेता बचेंगे ना कांग्रेस में नेता बचेंगे। तय कर दिया कि नेता पत्नियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। उन जगहों पे जहाँ पे अन्य महिला दमदारी से काम करती है, कांग्रेस के झंडा लेके खड़ी है, वहाँ पे नेता पत्नी की बजाय उस महिला को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जहाँ नहीं है, कहीं योग्य उम्मीदवार तो नेता पत्नी को या उनकी बहन को दिया जा सकता, प्रायोरिटी जमीनी महिला जो काम करती है। हाँ, ये निर्देश दिए कमलनाथ जी ने 20 तारीख को किसान कांग्रेस की किसान विंग का सम्मेलन है। किसानों के लिए क्या किया जाना चाहिए वर्तमान सरकार ने और हमने क्या किया, उसके बारे में किसानों को बताया जाना चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में किसान भाई आए ताकि हम अपनी बात समझा सकें। और केंद्र की अतताई सरकार जो नरेंद्र मोदी की है, 40 लोग मर चुके हैं किसान आंदोलन में, ठंड में, पर उसके मतलब मानवीय संवेदनाएं नरेंद्र मोदी के मन में नहीं है। तो उस आदमी को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा किसान सम्मेलन, ताकि उन लोगों को साहस पहुंचे जो दिल्ली के बाहर सड़कों पर। सिर्फ सम्मेलन होगा या प्रदर्शन भी रहेगा? अब ये तो वक्त बताएगा क्या क्या होगा। अभी हाल थोड़े आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाले शिवराज बड़ा चमत्कारी पुरुष है। 10 महीने के कार्यकाल में 12 बार वित्तीय संस्थाओं से कर्ज ले लिया तुमने। मध्य प्रदेश का खजाना तो खाली है, तुम में कुवत ही नहीं कि खजाना भर पाओ। 12 बार कर्ज लेने के बाद, कर्ज में पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी, 1,80,000 करोड़ का कर्जा पहले ले लिया। मैं डिबेट कराना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कितने बार कर्ज लिया और 10 महीने की सरकार ने शिवराज की कितने बार कर्ज लिया है। प्रदेश की जनता के सामने ये बात आना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। श्वेत पत्र लाए सरकार लाएगी, लाए क्या ये मांग करेंगे आप अगर ये तो गूंगे बहरों की सरकार है ये। अभी हमने पिछली विधानसभा में कहा था तो कौन सा सफेद पत्र, कौन सा काला पत्र, काय को लाए हम? नहीं, वो करेगी कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए ईवीएम को लेकर। हाँ देखिए, ईवीएम का मसला उठा था, ये बात बड़ी गहराई से सामने आई कि बड़े दलों ने जो भले विपक्ष में हो पर उन सबका चिंतन ये है कि जब विकसित राष्ट्र अमेरिका जैसे, जापान जर्मनी जैसे राष्ट्र में ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है तो हम विकसित राष्ट्र क्यों मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। उस जमाने में लोग बोलते कांग्रेस लाई थी, बात सही है, कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी, लेकिन उस समय इतनी परिष्कृत टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब तो हैक करने की तमाम सारी मशीनरी भी आ गई है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इस समय हैक हो रही है। हम तो चुनाव परिणाम देख रहे हैं, एकमात्र रामविलास पासवान थे जो 5 लाख से लोकसभा जीतते थे, अब तो 50 लोग 5 लाख 6 लाख से जीत रहे हैं। बड़ा आश्चर्यजनक।
जी, लगभग 34 डॉक्टर उनसे सीनियर है, उनको बीच में गायब करके सीधे इनको संयुक्त संचालक बना दिया गया। अब नरेंद्र मोदी साहब कहाँ हैं, शिवराज चौहान कहाँ हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब इतने सीनियर डॉक्टर पढ़े हैं, अनुभवी डॉक्टर पढ़े हैं, कोरोना का भयानक संक्रमण चल रहा है, ऐसे समय पे आप एक अपने परिवार की महिला को यदि स्वास्थ्य संचालक बनाते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता आपको साधुवाद देगी कि बहुत बढ़िया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पहली बात तो ये है कि प्रभुराम चौधरी उनके विभाग का कोई निर्णय ले ही नहीं पाते, नरोत्तम मिश्रा तो विभाग का निर्णय लेते हैं, तब ये महिला क्या निर्णय ले पाएगी बेचारी। मेरी तो शुभकामना, अच्छा करो भाई। सर आज चिंता क्या कांग्रेस की स्थिति? नहीं नहीं, देखिए इस कमलनाथ जी की इस बात को चिंता कहना सर्वथा गलत है, चिंतन कहना सही है कि अपने कार्यकर्ताओं को जो आज नगर पालिकाओं में हमने पर्यवेक्षक बनाए हैं, 50% महिलाएं 50% पुरुष, उनको समझाइश दे रहे थे कि बीजेपी उस जमाने में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। जो व्यक्ति नगरपालिका नगर पंचायत में जीत के आता था वो कांग्रेस का, जो हारता था बीजेपी उसे अपने कब्जे में कर लेती थी। तो ऐसे बीजेपी का संगठन खड़ा हुआ, तो इसलिए आप सोच समझ के टिकट दो जीतने वाले को कि अधिकतम लोग जीतें। पूरे अधिकार टिकट बांटने के पर्यवेक्षकों को कमलनाथ जी ने दे दिए, सारी टिकटें पार्षद से लेके नगर पालिका अध्यक्ष की उन्हीं स्थान पर बैठेगी, भोपाल दिल्ली से एक भी टिकट नहीं बैठेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।